हे गाइस, वेलकम टू प्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित, और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस इनोवा का टाइप 1 से टाइप 4 कन्वर्जन। पर इस वीडियो की एक खास बात होने वाली है, आज हम एक इनोवा नहीं दो इनोवा को साथ में टाइप कन्वर्जन करने वाले हैं। ये जो दो इनोवाज हमारे पास आई हैं, पहली वाली का कलर जो है वो थोड़ा ब्रॉन्ज गोल्डन टाइप का कलर है। गाड़ी कंप्लीटली रीपेंट है हर जगह से, और अच्छे तरीके से काम भी नहीं किया गया है। क्लोजअप में हम आपको शॉट्स दिखाएंगे कि कहां कहां गाड़ी पे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इस गाड़ी का हम कलर चेंज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी इनोवा टाइप कन्वर्जन पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने गाड़ी को मेल्टिंग सिल्वर, जो कि मिनी कूपर का कलर है, उस कलर में पेंट किया था। सो कस्टमर ने वो वीडियो देखा, उनको वो कलर बहुत अच्छा लगा, तो उनका रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को भी हम मेल्टिंग सिल्वर में पेंट करें। और ये वाली गाड़ी का जो पिस्ता ग्रीन कलर है वो ओरिजिनल कलर ही रहने वाला है। मजे की बात ये है, पिछली जो हमने इनोवा की थी उसका ये कलर था, और उसको हमने मेल्टिंग सिल्वर में किया था, और यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिनल कलर भी और ये वाली मेल्टिंग सिल्वर में होने वाली है। तो दोनों प्रिटी सिमिलर है टू द लास्ट वीडियो। टाइप कन्वर्जन में जो पार्ट्स चेंज होने वाले हैं वो है बोनेट, दोनों हेडलाइट्स, आगे का बम्पर, फॉग लाइट, शो ग्रिल, पीछे का बम्पर और कुछ रिफ्लेक्टर्स। इसके अलावा, दोनों गाड़ी पेंट करने के अलावा, हम लोग इसका दोनों गाड़ियों का कंप्लीट इंटीरियर मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं। साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के हम अलॉय व्हील पेंट करने वाले हैं, कैलिपर पेंट करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो यंग बॉयज और मेन की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है इम्प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ। और ये प्रोडक्ट है मुश्ताज का बियर्ड ग्रोथ ऑयल। ये एक लाइपोफिलिक ऑयल है जो स्किन में एब्जॉर्ब होकर हेयर रूट्स को नरिश करता है, और बियर्ड ग्रोथ को बूस्ट करके पैची बियर्ड को फिल करने में भी हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट बना है 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से, और ये पूरी तरह केमिकल फ्री भी है। बियर्ड हेयर फॉल एंड स्प्लिटिंग को प्रिवेंट करने के साथ साथ ये ऑयल देता है आपकी बियर्ड को सॉफ्टर, शाइनियर और स्मूदर फील। इस ऑयल को यूज करने से पहले गर्म पानी से फेस वॉश करें। मुश्ताज बियर्ड ऑयल के 4 या 5 बूंद अपने हाथ पर लें और जेंटली बियर्ड में मसाज करें। इस ऑयल को अपने फेस पे पूरी रात तक रहने दें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि रात को हमारी बॉडी हीलिंग मोड पर होती है। और सुबह उठकर अपने फेस को थरली वॉश करें मुश्ताज के ओशन फेस वॉश से। ये हेल्प करेगा एक्सेस ऑयल, इम्प्योरिटीज एंड डेड सेल्स को रिमूव करने में, और आपके फेस को एक फ्रेश फील देने में विद द एसेंस ऑफ ओशन। आप ये प्रोडक्ट्स आज ऑर्डर कर सकते हैं Amazon या Flipkart से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। इस कॉम्बो को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। खुजली हो गई देख के, खुजली हो गई मेरे को, वैक्यूम करना पड़ेगा। जरा तेरे दोस्त आए देख, निकालना उनको
पूरा इंटीरियर पूरा पेंटिंग करने वाले हैं, तो ये स्टिकर्स एक तो नहीं निकालना है, वो उसी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये ब्लैक आ गया, ये पूरा ब्लैक हो गया, ये जाएगा भी कोको कोको साइड में कोको और ये भी कोको। तो ये साइड में दरवाजा खोल के ना ये टेप मार दो। ये यहाँ पे ये हम पूरा गाड़ी स्ट्रिप करने वाले थे, बट यहाँ पे इतना सारा पुट्टी है कि स्ट्रिप जितना हम उसके ऊपर करेंगे वो पूरा निकलेगा नहीं। तो अभी हमने इसमें ऐसे डिसाइड किया है, जहाँ जहाँ पे हैवी पुट्टी है उसको पूरा ग्राइंड करके निकाल देंगे, और जो बचा हुआ नीचे का सरफेस का पूरा पेंट और जो बचा हुआ रहेगा उसको पूरा स्ट्रिप कर देंगे स्ट्रिपी से। तो अभी पहले हम पूरा ग्राइंडिंग करेंगे, पुट्टी जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा है पूरा पुट्टी कट करेंगे, उसके बाद स्ट्रिपिंग कर लेंगे इसमें। ओके, स्ट्रिपिंग करने के बाद हमें यह पता चला कि गाड़ी में जिस किस्म की पुट्टी भरी गई थी वो बहुत एक्सेसिव थी। ये सारा अभी हमने शेड किया है और यहाँ पे अभी एक्सेसिव डेंट्स है गाड़ी पे, जो पूरा का पूरा सिर्फ पुट्टी से भरा हुआ था। और ये पैनल्स पे हम स्ट्रिपिंग करने के बाद एक्चुअली उस पर प्राइमर मार चुके हैं ताकि जंग ना पकड़े। ये जो सारे हैवी डेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो डिक्की हो, चाहे ये क्वार्टर पैनल हो, या इवन ये डोर की कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ पुट्टी में बनाई गई थी, जो कि एक गाड़ी की लाइफ के लिए और उसके पेंट की लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं है। जब गाड़ी डेंटिंग हो जाएगी, जो ये प्रॉपर डेंट्स जो बनाने हैं, ये डेंट्स बनाने के बाद जब गाड़ी पेंटिंग स्टेशन में आएगी, फिर मिनिमल एप्लीकेशन ऑफ पुट्टी और बॉडी फिलर करके हम इसकी बॉडी लाइन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। छत का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रियास ने पूरी गाड़ी का डेंटिंग का काम किया है, और छत बनाने में हम लोग को ऑलमोस्ट 3 दिन लग गए। एक्चुअली ऐसे केस में छत रिप्लेस करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि टोयोटा पार्ट्स का काउंटर सेल नहीं करता है, सो बाहर बॉडी शॉप को पार्ट सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो फेंडर्स बम्पर्स वगैरह जो रहते हैं वो तो इम्पोर्टेड मिल जाते हैं, बट छत जैसा पैनल बाहर से प्रोक्योर करना मुश्किल है। अभी 3 दिन हो गए, ये पूरी छत अंदर से पूरी बैठी हुई थी, वो बिफोर शॉट्स में आपको दिख जाएगा, और अभी रियास ने प्रॉपर तरीके से काम करके ये पूरा रिकवर कर दिया है, छत पूरी बन गई है, और अंदर की तरफ से भी हम लोगों ने जो है वो पाइपिंग करके उस पर पूरा सीलेंट भर दिया है। तो अब इसमें छत का जो प्ले है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सीलेंट के थ्रू भी और एक्सपेंशन फोम के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है, बीच के जो गैप्स होते हैं उसको भर के कंप्लीट कर देता है, ताकि पैनल का मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल या कम हो जाए। अब ये छत वापस झुकेगी नहीं। यहाँ पर गाड़ी में ओरिजिनली लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था, तो
हमने जब गाड़ी का विंडशील्ड निकाला तो विंडशील्ड टूट के निकला, और उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर पैकिंग किया हुआ था एमसील से, जो कि एक जुगाड़ है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर डैमेज है वहाँ पर पीस कट करके हम लोग नया पीस वेल्ड करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसको वेल्डिंग से भर देंगे तो भी ये काम नहीं करेगा, और एमसील वगैरह तो टेम्परेरी जुगाड़ है, तो इसको हम लोग प्रॉपर कट करेंगे और यहाँ पर एक नया पीस वेल्ड करेंगे। ग्रिल असेंबली कर रहा हूँ जरा, हाइड्रो, ठीक है। तो सारे इंटीरियर के जो पार्ट्स हैं हमने सेपरेट कर दिए एज पर कलर। तो एक्चुअली हमने पहली इनोवा में गाड़ी में बैठे बैठे कर दिया था, तो थोड़ा आसानी हुई थी, बट क्योंकि इस गाड़ी का काम खींचना था इस वजह से हमने सेपरेट करके इन पार्ट्स को लेबलिंग करी है। तो सारे सेग्रीगेशन हो चुकी है, अभी ये पार्ट्स जाएंगे पेंटिंग को, पहले क्लीन किए जाएंगे और फिर वापस से पूरा पेंटिंग का प्रोसेस इन पे किया जाएगा। लेट्स गो। क्या मुझे कुछ बुरा भला तो नहीं बोलने वाले ना क्या? आज यही सो जा, अब चल बंद कर दे इसको। ओए बंद मत करो, बंद मत करो। चालू करो मत करो। One eternity later. मीन में भी कैमरे पकड़ के खड़ा होता होगा ना तू? अच्छा मारा किसने? मारा ये राजेश। अच्छा देखिए बाबा, चल बाय बाय, आज यहीं सो जा।
नया लग रहा है गाड़ी। मेरा 2006 का गाड़ी है, पूरा भंगर गाड़ी था, अभी पूरा नया गाड़ी हो गया, टोटल नया, कंपनी जैसा नया पूरा पीस हो गया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी मुश्ताक के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो Amazon या Flipkart विजिट करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।